भय्यू महाराज आत्महत्या के मामले में आरोपी बनाए गए सेवादार शरद उर्फ पलक ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दायर की है। ये मामला सुनवाई के लिए लगा हुआ है। इसमें हाईकोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि मौत के बाद दर्ज किए मर्ग और परिजन वाले लोगों के बयान अगली सुनवाई में पेश किया जाएंगे। कोर्ट अब शीतकालीन अवकाश के बाद 7 जनवरी को अर्जी पर सुनवाई करेगी। दोनों ने इससे पहले जिला एवं सत्र न्यायालय में भी जमानत के लिए प्रयास किए थे, लेकिन कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी थी। इस बीच मामला ट्रायल कोर्ट में चल रहा है। 18 दिसंबर को सुनवाई होनी है। आरोपियों के वकील ने कोर्ट में अर्जी लगाई थी कि पुलिस केवल मर्ग के दस्तावेज पेश कर रही है, जबकि घटना के बाद परिजन व अन्य लोगों के भी बयान दर्ज किए गए थे। ये दस्तावेज भी कोर्ट में पेश किए जाए। पुलिस ने पिछले सुनवाई में पूर्व में दिए गए दस्तावेज मात्र होने की बात कही थी। इस पर कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिए कि घटना के बाद के सभी दस्तावेज लाए जाए। पुलिस ने घटना के कई महीनों बाद दोबारा जांच शुरू कर पलक, शरद और विनायक के खिलाफ भी केस दर्ज किया था। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।